मैं आज आपको संस्कृत के 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, जो पहले एग्जाम में परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है ना। संस्कृत हमारी आती कहाँ कहाँ है ये पता होना चाहिए, हमारे टेट सीटेट में आती है, उसके बाद जो यूपी में जितनी भर्ती होती है उसमें कंपलसरी है संस्कृत का आना, ठीक है। उसके बाद हमारी जो राजस्थान है वहाँ भी संस्कृत आती है, फिर उसके बाद ये इलेक्टिव हो जाती है, अगर आपको एग्जाम देना चूज करके उस तरह से होती है, ठीक है ना। सीटेट में भी इलेक्टिव ही, अगर आप सेलेक्ट करते हैं तभी आप संस्कृत का पेपर देंगे, मगर यूपी में जितनी ही भर्ती होंगी वहाँ पर आपको 10 नंबर की संस्कृत टीचिंग में देनी ही देनी पड़ेगी, संस्कृत आनी चाहिए। एनसीएफ 2005 अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थ एवं चय साक्षात् द्वारा ज्ञानार्जन मान्यते, यानी 2005 के अनुसार एनसीएफ के द्वारा कि ज्ञान को हमें किस तरह से बालक को तो प्रोवाइड कराना चाहिए, देना चाहिए, तो वो होता है हमारा मातृभाषा के द्वारा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको संस्कृत भी पढ़नी नहीं आती है तो कुछ वर्ड जो पहले वीडियो में आपको दिए हैं उनको आप याद करें, उनको समझें, और जहां दिखें बिना क्वेश्चन पढ़ें आप बहुत जल्दी लगा सकते हैं कि मातृभाषा दिखा तो मातृभाषा ही होगा, तृतीय भाषा नहीं होगा, क्षेत्रीय भाषा नहीं होगा, द्वितीय भाषा नहीं होगा। उसके बाद वास्तविकतात्मक, ठीक है ना, वास्तविकतात्मक का मतलब कि हमें किससे रियलिटी वर्चुअलाइजेशन कैसे हमें पता चले कि वास्तविकता का, दूर दृश्य गोष्ठी इससे भी नहीं, ठीक है, दूर के बारे में सोच के। संगणक, संगणक का मतलब समझ लें कंप्यूटर है, तो शिक्षा में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, और अब तो जब से लॉकडाउन या कोरोना आया है तब से तो कंप्यूटर की बहुत ही हो गया है, ठीक है ना। तो आगे चल के इस पर क्वेश्चन बना करेंगे जरूर। यंत्र द्वारा प्रगति क्रम वेगम, यानी इस कंप्यूटर द्वारा दिन प्रतिदिन के प्रगति का आकलन करके, ठीक है ना, ये सबसे अच्छा है कि यानी वास्तविकता का, अगर मेरी वास्तविकता का कब पता चलेगा कि जब मेरा डेली का प्रगति का चार्ट होगा कि मैंने आज इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, इस तरह से। वीडियो डिस्क, इससे भी कुछ नहीं होगा, दूरगोष्ठी इससे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा हमारा बी होगा, संगणक यंत्र द्वारा का प्रगति क्रम देखा। आकलन से निकस, यानी आकलन के निष्कर्ष से आपको क्या होगा फायदा छात्र को, तो प्रश्न क्रम अड़ाना, तो प्रश्न क्रम से कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थियों सामर्थ्य से सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के जरिए से विद्यार्थियों के सामर्थ्य के बारे में जानना, हमेशा हमें विद्यार्थी छात्र के बारे में ही बात करनी है क्योंकि उसके ही सामर्थ्य के बारे में जानना है, ठीक है। अपने सामर्थ्य के बारे में जान के टीचर तो बन गए ना, अपने सामर्थ्य के बारे में जान के क्या करेंगे, तो छात्र जहाँ तक आंसर हमारे जितने भी होंगे वो छात्र के फेवर में होंगे, छात्र के होंगे। तो अड़कना मार्गदर्शिका, मार्गदर्शिका नहीं करनी है, परीक्षा मार्गदर्शन मूल्यांकन, मूल्यांकन नहीं करना, ये कट गए, तो हमारे जो ऑप्शन बना वो बी बना। तो ये 3 क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे जरूर बताएं। तो ओम संस्कृताय नमः। तो ये चीज आप, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक। जब तक आप इन्हें देखें, 3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है।